गाइस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो जी 64 फ़ोन है तो मोटो जी 64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे फ़ोटोज़ वगैरह को आप छिपा सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह को आप हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे छिपा पाएंगे फ़ोटोज़ को फाइल ऑप्शंस पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोटोज़ वगैरह को कैसे छिपा सकते हैं और फ़ोटोज़ को कैसे हाइड कर सकते हैं फ़ाइल ऑप्शंस पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स ऑप्शन पे, वो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे हाइड कर सकते हैं या फिर कैसे छिपा सकते हैं अपने फाइल्स पे जाकर, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, तो आपको बैक करना है और बैक करते ही आपको फाइल्स पे चले जाना है। वो क्लिक करते ही फाइल आइकन्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फाइल आइकन्स कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। बस जैसे कोई भी इमेज पे जाते हैं और कोई भी फ़ोटोज़ को आप हाइड करना चाहते हैं तो इमेज गैलरी पे जाकर इस तरीके से फ़ोटो सेलेक्ट करके मूव टू सेव फोल्डर कर देना है, जिससे फ़ोटोज़ वगैरह आपके फ़ोन में छिप जाएगी एंड हाइड हो जाएगी, जो आपके फ़ोन में शो करेगी। एंड आप चाहें तो वीडियोस भी हाइड कर सकते हैं इस पे जाकर, कोई भी वीडियो आप इस तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं मूव टू सेव फोल्डर करके, वीडियोज़ को भी आप हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में। इस तरीके से वीडियोस भी आपके फ़ोन पे हाइड हो जाएगी और छिप जाएगी, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे, और फ़ोटोज़ को भी आप हाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को छिपा सकते हैं, जिसको आप शो कर सकते हैं सेव फोल्डर पे और जाकर देख पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी